हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बायोटिन सप्लीमेंट का, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से मैं ये बायोटिन सप्लीमेंट जो है वो कंज्यूम कर रही हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी काफ़ी पहले एक स्टोरी मतलब अपडेट की थी, एक नहीं दो तीन स्टोरी अपडेट कर चुकी हूँ, तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कब से इसको कंज्यूम कर रही हूँ। एंड अभी रिसेंट मैंने अपने कुछ चार पाँच वीडियो पहले अपना एक डाइट चार्ट वाला वीडियो शेयर किया था, उसमें भी मैंने दिखाया था कि मैं बायोटिन सप्लीमेंट जो है कंज्यूम कर रही हूँ। सो काफ़ी टाइम मुझे से हो गया है यूज़ करते हुए, और इसके बारे में मेरी कुछ ओपिनियंस बन गई हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो एक जेन्युइन रिव्यू होने वाला है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। सो यस, विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है वो ओलिना का होल फूड बायोटिन, ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। सो ये मैं ट्राई कर रही हूँ, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि दिस वीडियो इज़ इन कोलैबोरेशन विद ओलिना ब्रांड, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि मैं उनका कोई भी प्रोडक्ट जो मेरा मन हो मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो मैंने बायोटिन चूज़ किया था बिकॉज इसके बारे में काफ़ी मैंने सुना हुआ है कि बायोटिन आपकी हेल्थ, हेयर हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो अभी विंटर्स आ रही है, मेरी भी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है विंटर्स में। सो मैंने सोचा कि चलो ये वाला प्रोडक्ट जो है मैं ट्राई करती हूँ, तो ये मैंने ट्राई किया। तो सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग मैंने आपको दिखा दी, कुछ इस पैकिंग काफ़ी अच्छे से होके आती है। इनर पैकिंग इसकी जो है वो बहुत अच्छी है, बाहर पिंक और वाइट कलर की थीम में। सो ये इस तरीके से एयर टाइट रहता है, और अंदर से इस तरीके का ये सील्ड पैक होकर के आता है, सेफ रहता है ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। और इसके अंदर इस तरीके से एक स्कूप भी मिलता है आपको, बड़ा सा स्कूप, इस स्कूप से मेजर करके ही आपको इसको कंज्यूम करना होता है। सो इस तरीके के सप्लीमेंट मतलब लेना मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगर बताऊं तो, एक तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने इस साल 30s अपना हिट किया है, और जब 30 में हम हिट करते हैं, 30 प्लस होने लग जाते हैं, तो फिर हमारी जो एजिंग है ना, वो हम एजिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो जो भी हेल्दी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रही होती है, उसका जो रेट है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। कोई भी अच्छा विटामिन, हॉर्मोन्स या जो भी चीज़ें बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, वो बहुत ही स्लो प्रोडक्शन, धीरे धीरे डे बाय डे, एज टू एज जो है वो स्लो होने लग जाता है। इसीलिए आपने देखा है लेट एज में जाते जाते लोगों को रिंकल्स, हेयर फॉल, बॉल्डनेस, इन सब तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करती, जो आप खा रहे हो सिर्फ उतना ही है। ऐसे में अगर आपकी डाइट वीक है, और जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और उसमें भी मैं हर चीज़ें नहीं खा पाती हूँ, हर सब्ज़ी मैं खाती हूँ ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही चूज़ी फूड खाती हूँ। मतलब इतनी बिजी लाइफ है कि हम कुछ प्लान भी करते हैं तो कभी कभी वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। हालांकि मैं अपनी डाइट का, चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखती हूँ, बट फिर भी समटाइम्स वो चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं। सो ऐसे में अगर इस तरीके का सप्लीमेंट आपको मिल जाए तो ये बहुत ही ईजी बना देता है लाइफ को। आप इसे कहीं भी कभी भी ले सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट से भी कम आपको लगते हैं इसको कंज्यूम करने के लिए। सो कोई मेहनत नहीं, कोई मेस नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपके इनर हेल्थ को मतलब जो भी आपके बालों के लिए, स्किन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है, वो ये काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कराता है। अब मैं इसकी कुछ स्पेशल चीज़ें बता देती हूँ आपको, जो कि यहाँ पर मेंशन है। ये एक तो वीगन है, डेयरी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, कोई इसमें शुगर नहीं है, और इसमें सोय फ्री है। बायोटिन एक्चुअली एक विटामिन है, विटामिन B7 बोलते हैं, या फिर विटामिन H भी बोलते हैं। सो वो वाला ये विटामिन है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, और किसी तरीके का रिएक्शन का इसमें टेंशन नहीं है। आपकी बॉडी में जितना इसको अब्जॉर्ब करना है वो अब्जॉर्ब कर लेती है आपकी बॉडी, और बाकी का जो एक्सेस होती है उसको वाटर में, वो सोल्यूबल है तो वाटर के थ्रू वो फ्लश आउट हो जाता है। तो टेंशन एज सच कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको थायराइड है, प्रेगनेंसी है, या कोई और सीवियर डिजीज़ है, तो इसको लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, या फिर अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, लाइक इसके अंदर 4-5 इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हुए हैं, आप एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो परचेस करने से पहले चेक कर लीजिए। वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल में सारी चीज़ें दिख जाती हैं, सो चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ से रिएक्शन है, एलर्जी है, तो आप इसको मत लीजिए, अदरवाइज फिर आपको कुछ रिएक्शन होगा और आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट खराब है। सो गाइस, चलिए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है सिस्बैनिया एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बायोटिन, मतलब बहुत ही रिच सोर्स ऑफ बायोटिन है, सो वो इसके अंदर मेनली यूज हुआ है। तो जो बायोटिन है, जैसे कि मैंने बताया, आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के, सबकी ग्लो एंड ग्रोथ के लिए जो बायोटिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा इसके अंदर पोमीग्रेनेट है, अनार है, मतलब जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन भी पाया जाता है, तो ये आपकी एजिंग साइंस को, आपकी चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो या फिर आपकी स्किन से रिलेटेड हो, उससे फाइट करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा इसके अंदर है सी बकथर्न, जिसके अंदर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, अगेन आपके स्किन और आपके स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा इसके अंदर यूज हुआ है
आंवला जो कि रिच इन विटामिन सी होता है, कितना बेस्ट होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए भी और आपकी हेयर्स के लिए भी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आंवला अगर आप ऐसे भी खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है आपकी हेयर के लिए। एंड उसके अलावा इसके अंदर बैम्बू शूट भी है, बैम्बू शूट के अंदर सिलिका पाया जाता है जो कि आपके बालों की इलास्टिसिटी और शाइन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो ये कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स है जो इसके अंदर अच्छे से डाल, जिनको बेसिकली यूज करके ही ये प्लांट बेस्ड बायोटिन सप्लीमेंट बनाया है। इसके अंदर और कुछ आर्टिफिशियल चीजें तो है नहीं। उसके अलावा भी इसके अंदर लेमन पाउडर है, कैरेट पाउडर है एंड साथ में इसमें ऑरेंज पाउडर भी डाला गया है। अब मैं आपको बता दूं इसमें ऑरेंज पाउडर क्यों डाला गया है, क्योंकि अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो यहां पर ये फ्लेवर ऑरेंज फ्लेवर में है। इसके अंदर ओलिना तीन आपको फ्लेवर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, आई थिंक तीन है, एक तो ऑरेंज है, एक वाटरमेलन है और एक रोज फ्लेवर है। तो तीन फ्लेवर्स अलग अलग हैं, सो जो भी फ्लेवर होगा उसका इंग्रेडिएंट भी आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर मैं इसके टेस्ट की आपको बात बताऊं, सो इसका टेस्ट, इन्होंने इतने अच्छे फ्लेवर्स इसमें डाल दिए हैं तो कहना ही क्या, काफी अच्छा टेस्ट रहता है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी आपको कि ये एकदम ऑरेंज जूस जैसा मुझे फ्लेवर देता है, बट 80-90% तक ये आपको ऑरेंज फ्लेवर का वो देता है, लेकिन हल्की फुल्की स्मेल इसकी जो आती है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो बने हुए उसकी हल्की सी एक हर्बलिश स्मेल जो है वो आती है, बट वो बियरेबल होती है, अच्छी लगती है, मतलब को आराम से आप इंजॉय कर सकते हो, मैं ये कह सकती हूँ कि आप इसको इंजॉय कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कब और कैसे कंज्यूम करती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है ग्लास में 200 ml के करीब पानी, और ये पानी नॉर्मल वाटर में लेती हूँ, गर्म पानी में इसको नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर में ही आप रूम टेम्परेचर वाटर में अगर लेंगे तो बहुत ही सही रहता है ये। और उसके अंदर ये एक स्कूप पाउडर जो है वो आपको मिलाना होता है, एक स्कूप से अगर आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा, एक स्कूप इज सफिशियंट। तो मैं थोड़ा सा कम ही लेती हूँ, एकदम पूरा भर के नहीं लेती हूँ, और उसके बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें लम्प्स बनते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा मिलाएंगे तो ये आराम से मिल जाता है, कहीं कोई लम्प रह नहीं जाता है एट लास्ट। और उसके बाद आप इसे सिप बाय सिप करके पी सकते हैं, बहुत अलग अलग फ्लेवर्स में ये आता है, तो आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हैं, तो इसे इन्जॉय करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें बहुत कोई स्मेल या कोई कड़वा टेस्ट नहीं आता है, एकदम इन्जॉयबल ड्रिंक बन जाता है। तो मैं इसे लेती हूँ इवनिंग में ले लेती हूँ या फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, तो इसे आप कभी भी खाली पेट भी ले सकते हैं, बट अगर आपको खाली पेट पीने के बाद स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे खाना खाने के आधे घंटे के बाद कंज्यूम कर सकते हैं। सो डेली इसे कंज्यूम कीजिए टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। सो गाइस चलिए आपने देख लिया कि इसको कंज्यूम कैसे करना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इसको कंज्यूम करने के बाद। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि ये क्लेम करता है हेयर फॉल को रोक देगा, ग्रे हेयर को भी आपको कंट्रोल करेगा, इस तरीके के काफ़ी अच्छे अच्छे क्लेम्स, आपकी स्किन को भी काफ़ी ग्लो एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, इस तरीके के क्लेम्स हैं इनके। सो मैंने इसे कंटिन्यू यूज़ किया है एक बार दिन में। मैंने एक चीज़ जो बहुत ही अच्छे से महसूस की वो है, आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो कहीं भी, देखिए कहीं भी ये रफ़ नहीं हुए हैं, ये मेरे लिए काफ़ी मानने वाली बात है, क्योंकि 3 से 4.5 महीने के बीच में मेरा हेयर कट मैं लेती हूँ और उसके बाद मेरे जो 3-4 महीने कंप्लीट होने के बाद जो मेरे बाल हैं नीचे से काफ़ी रफ़ से होने लगते हैं, इंडिकेट करते हुए कि मुझे अब अपना हेयर कट ले लेना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ महसूस की कि क्योंकि विंटर्स भी आ चुके हैं और अभी फेस्टिव सीज़न भी रहा, तो कोई ऐसा बालों की केयर भी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरे बाल जो हैं वो ड्राइनेस उतनी मुझे महसूस नहीं हो रही है विंटर्स के हिसाब से, और साथ में सबसे ज़्यादा नोटिसेबल जो है वो ये कि मेरे बाल कहीं से भी रफ़ नहीं हुए हैं, आप देख सकते हो क्लोज से। सो ये चीज़ मैंने बहुत ही प्रोमिनेंटली नोटिस की, बाकी की चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे इसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और एक अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी ये लगती है कि इन्होंने खुद ही ये चीज़ क्लेम की है कि 30 डेज में आपको कुछ मतलब एक डिफरेंस, आपको एक पॉजिटिविटी फील हो जाएगी 15 to 30 days के बीच में कि यस ये प्रोडक्ट मुझे सूट हो रहा है और कुछ मेरे लिए बेनिफिशियल ये कर रहा है, ये आपको 15 to 30 days के बीच में महसूस हो जाएगा। बट फाइनल रिजल्ट जो इन्होंने क्लेम किया है उसके लिए ये खुद भी बोलते हैं कि आपको 90 days तक कंज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो रिजल्ट ये क्लेम करते हैं वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो यस मैं इनको इतना टाइम तो दूंगी क्योंकि मैजिक तो होता नहीं है कुछ, अगर कोई मैजिकल वाली बातें कर रहा है, मैजिक वाली कोई बातें कर रहा है सो वो डेफिनेटली गिमिक है, ये गिमिक नहीं है। मैंने दिवाली के टाइम पर एक प्रोडक्ट यूज़ कर लिया था जो कि मेरे स्किन पर थोड़ा रिएक्ट कर गया था, एक्चुअली वो प्रोडक्ट पता नहीं, वो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इसलिए वो मेरी स्किन पे थोड़ा रिएक्ट कर गया था, काफ़ी मेरी स्किन जो है वो बोलते हैं ना जैसे खुरदुरी सी रफ़ सी होती है वैसी हो गई थी, लेकिन इस वक्त मेरी स्किन जो है वो काफ़ी, मैंने कुछ भी लगाना बंद कर दिया पिछले 10-12 दिन से, मैं कुछ भी अपने फेस पर नहीं लगा रही हूँ सिंस दिवाली, तो मतलब मेरी जो स्किन है इस वक्त काफ़ी
क्लीन हो गई है, रफनेस जो है वो 90% कम हो गई है। अभी भी पूरी स्किन जो है वो मेरी एकदम बोले एकदम स्मूथ नहीं है, लेकिन 90% मेरी स्किन जो है वो स्मूथ हो चुकी है। सो मुझे लगता है कि शायद इसका रोल भी हो सकता है क्योंकि मैं ये कंज्यूम कर रही हूँ और कुछ मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया मैंने तब से लेकर के आज तक। सिर्फ एक जो डेली मॉइस्चराइजर होता है सिर्फ वो लगाती हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। सो मुझे लगता है कि शायद इसका रोल भी हो सकता है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट मैं इसका क्रेडिट दे सकती हूँ क्योंकि यही एक चीज़ है जो मैं अभी फिलहाल कंज्यूम कर रही हूँ। सो ये स्किन पे और हेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। यस, मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल भी। और ये जितने भी ओपिनियंस मैंने शेयर किए हैं ये जेन्युइनली मेरी ओपिनियन है कि इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिल जाते हैं और एक अच्छा एक जेन्युइन प्रोडक्ट जो है वो मुझे महसूस हुआ। और ये मुझे वो प्लांट बेस्ड जो उन्होंने मेंशन किया है वो फील मुझे आती है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो प्लांट बेस्ड हैं, मतलब वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जेन्युइन हैं। सो ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और सबके साथ में शेयर भी कीजिए। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जस्ट मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सब्सक्राइब्ड। बाय।